दोस्तों नमस्कार। एयरफोर्स की भर्ती से रिलेटेड एक अपडेट आया दोस्तों, और जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसका नोटिफिकेशन, उससे पहले जान लेते हैं इसको। 12 नवंबर 2019 से शुरू है ये दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग। और इसके लिए ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन है, इसके लिए सीधे आपको भर्ती स्थल पर जाना होगा और वहीं पर आपका आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन है, यानी सीधे जाना और सीधे भर्ती के को अटेंड करना है। तो ज़्यादा इसके डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों, इसको डीपली जानते हैं आगे इसकी कार्रवाई क्या होगी। ये जो भर्ती है दोस्तों, ये है एयरफोर्स की तरफ से ओपन रैली है यहाँ पे 2019 की, और इसके लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। जो मेल कैंडिडेट है उनको 12 नवंबर से और 14 नवंबर के बीच में दोस्तों एयरमैन की भर्ती है। एक्स ग्रुप के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होंगे, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर भर्ती है ये, और एक्स ग्रुप की भर्ती है दोस्तों। इसके लिए जो है कोई फीस नहीं है यहाँ पे, और जिसका जन्म 19 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में हुआ था वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की क्वालिफिकेशन का बात करें दोस्तों, यहाँ पे या तो दोस्तों बीए हो आप लोगों का जिसमें कि इंग्लिश सब्जेक्ट हो, या फिर ये जो बीएससी आपका और उसमें फिजिक्स या साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस उसमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने यदि बीएससी कर रहे हैं आप लोग तो मिनिमम आपके 50% मार्क होने चाहिए, और साथ में दोस्तों यहाँ पे बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए जिसमें कि 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। ये जो भर्ती है दोस्तों, एलिजिबल मेल हैं इंडियन जो कि भारतीय हैं या नेपाली सिटीजन हैं जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से, उनके लिए भर्ती है। और इसके लिए कालिंगा स्टूडियो चौक भुवनेश्वर उड़ीसा, ये लोग इसके लिए यहाँ पे भर्ती है ये। और रैली शेड्यूल दोस्तों इसका 6 बजे से और 10 बजे के बीच में आपको सुबह यहाँ पे एंट्री करना होगा। 12 नवंबर को आपका फिजिकल फिटनेस होगा, टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के और जिसमें सब्जेक्टिव होंगे। और 13 नवंबर को दोस्तों आपको जो है इंस्ट्रक्शन एबिलिटी टेस्ट होगा दोस्तों। 14 नवंबर को अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा दोस्तों। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जो ये जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए यहाँ पे जो पेमेंट है दोस्तों 26,900 रुपये आपकी पर मंथ होगी, उससे शुरुआत होगी, प्लस डीए और अदर अलाउंसेस जो भी मिलेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी पेमेंट आपको मिलने वाली है। और गवर्नमेंट की नौकरी है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे दोस्तों, ये इसके बारे में डिटेल्स लिखा है कि 7 अनअटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए बीएड का। आपकी यहाँ हाइट यहाँ पे दोस्तों 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम रेंज ऑफ 5 एक्सपेंशन यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा चेस्ट। वेट और हाइट में दोस्तों जो है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तो हाइट और वेट का, हाइट एंड एज का। कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग सुन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1.6 का रन होगा आपका, पुशअप होंगे 10, सेटअप होंगे और स्क्वाट्स होंगे 20। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों पीटी होगा आपका, रिटन टेस्ट होगा और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया आपको 12 नवंबर से 14 नवंबर 2019 के बीच में। इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जानते हैं दोस्तों इस बारे की और डिटेल्स में। ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन खुल गया है, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो जिसको भी यदि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगा इसको। काफ़ी छोटे अक्षरों में है, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग बता देना, मैं इसको सेंड कर देता हूँ आपके ईमेल आईडी पे। आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद जय भारत।